बिजली विभाग के कनिष्ठ अभियंताओं ने किया प्रदर्शन। राज्य सरकार और ऊर्जा मंत्री पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए आज पावर इंजीनियर एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के बैनर तले राजसमंद शाखा के कनिष्ठ अभियंताओं ने जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा। पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन की तरफ से पिछले कई वर्षों से वेतन विसंगति के संबंध में और ग्रेड पे 4800 के संबंध में कई धरने दिए गए, जिसमें मुख्यमंत्री महोदय ने भी बीच में इंटरफेयर किया था और उन्होंने बजट घोषणा में क्रम संख्या 155 में ये कहा था कि एसीपी विसंगति को, सभी कार्मिकों की एसीपी विसंगति को दूर किया जाएगा, परंतु आज दिनांक तक भी उसकी कोई केवल घोषणा मात्र ही है, उसका लिखित कोई आश्वासन नहीं आया हमारे पास। लिखित आश्वासन के लिए हम ज्ञापन कई बार प्रस्तुत किया है, आज हमने कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन दिया है। इस संबंध में अगर त्वरित कोई कार्रवाई नहीं की जाती है मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा, तो हम 21 दिनांक 21 से हम महापड़ाव के लिए सारे कनिष्ठ अभियंता जाएंगे और इसके कारण अगर विद्युत व्यवस्था में कोई भी असुविधा होती है तो उसके लिए प्रशासन पूर्णतया जिम्मेदार रहेगा। संघ के अध्यक्ष नीरज बोहरा ने बताया कि वेतन और एसीपी विसंगति दूर करने को लेकर 16 जून 2022 को ऊर्जा मंत्री के साथ उनकी समझौता वार्ता हुई थी, लेकिन ऊर्जा मंत्री और राज्य सरकार की ओर से आज दिनांक तक वेतन विसंगति और एसीपी विसंगति को दूर करने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। राज्य सरकार ने बजट घोषणा के क्रमांक 155 एसीपी विसंगति दूर करने की घोषणा की थी, लेकिन बिजली विभाग के अभियंताओं को का लाभ नहीं मिल पाया। ऐसे में अब विद्युत अभियंता फिर से आंदोलन करने को मजबूर है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने 20 अगस्त तक उनकी मांगों पर विचार नहीं किया तो 21 अगस्त से वह टूल डाउन हड़ताल करेंगे और जयपुर में महारैली करेंगे। प्रदेश के कनिष्ठ अभियंता जयपुर में महापड़ाव डालेंगे। डुलियाना मोड़ पर कार बिजली ट्रांसफार्मर से टकराई। राजसमंद जिले के कुमारिया थाना क्षेत्र के डुलियाना गांव के पास एक कार विद्युत ट्रांसफार्मर से टकरा गई। टक्कर के बाद ट्रांसफार्मर टूटकर कार पर जा गिरा। हादसे में कार सवार 4 लोगों को चोट आ गई। गनीमत रही कि बिजली फॉल्ट होने से बंद हो गई, जिससे बड़ा हादसा टल गया। बिजली विभाग के लाइनमैन नियाल सिंह ने बताया कि कांकरोली की तरफ से आ रही तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डुलियाना मोड़ पर विद्युत ट्रांसफार्मर से टकरा गई। टकराते ही लाइन फॉल्ट हो जाने से बिजली बंद हो गई। टक्कर से जोरदार धमाका होने से मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। जेसीबी की मदद से विद्युत ट्रांसफार्मर में फंसी कार को बाहर निकाला। ग्रामीणों और राहगीरों ने चारों लोगों को कार से बाहर निकालकर आरके अस्पताल पहुंचाया। इस घटना में डुलियाना और देवरीखेड़ा की 2 घंटे तक बिजली बाधित रही। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथ द्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5-स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5-स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।